तो है गैस, मैं आज फुल एचडी फेस स्कैन में बताने वाला हूँ। गैस आप देख सकते हैं मेरा बिफोर आफ्टर पीस। तो गैस सिर्फ दो क्लिक के अंदर मैं बताने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो का थंबनेल नाम देख सकते हैं। इतना अच्छा नेचुरल क्वालिटी में कोई एडिटिंग करके नहीं देगा, नहीं बताएगा गैस, वो मैं बताने वाला हूँ। मैं हर वीडियो में बताता हूँ गैस, ठीक है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आपको पहुँच सके, ठीक है। चलिए फुल एचडी स्कैन में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो है गैस, सबसे पहले मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ गैस, ठीक है। आप पीस आर्ट आप देख सकते हैं, इसको ओपन करना है, ठीक है। वो मॉडल का पीस लेना, इसको आप एडिटिंग करना है। चलिए मैं मॉडल का पीस लेता हूँ। तो गैस मैं मॉडल का पीस ले चुका हूँ गैस, उसके बाद मैं न्यू ट्रिक में बताने वाला हूँ, ठीक है, स्कैन के लिए। तो गैस सबसे पहले टूल वाले ऑप्शन पर चलना है, ठीक है। नेट को आपको चालू रखना, ठीक है। ये ट्रिक अप्लाई करेगा, नेट को आप चालू रखना होगा। जितना फास्ट आपका नेट होगा, उतना जल्दी आपको ये ट्रिक अप्लाई होगा, ठीक है। सबसे पहले करना क्या, टूल वाले ऑप्शन पे चलना है, उसके बाद ऑल एनहांस ऑप्शन वाले पे चलना है। अपने फेस को पहले थोड़ा क्वालिटी कर लेना है गाइस, ठीक है। थोड़ा सेकेंड लगता है गाइस, ठीक है। आपको वेट करना है, भागना नहीं गाइस, ठीक है। अच्छे एडिटिंग के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, जब भी आप एडिटिंग सीख सकते हो, ठीक है गाइस। चलिए कुछ समय ले रहा गाइस, आप देख सकते हैं मेरा बिफोर आफ्टर, बहुत सारे क्वालिटी आ चुका है मेरे पीस में गाइस, आप देख सकते हो बहुत सारा क्वालिटी आ चुका है गाइस, ठीक है। उसके बाद मुझे करना क्या, इसको डन कर लेना। ये ट्रिक कोई नहीं बताया होगा गाइस, ठीक है। अगर नया समझे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद मुझे करना क्या है, बैकग्राउंड को रिमूव भी करना है गाइस, ठीक है। अब पीस एट एक ऐप के अंदर बहुत सारा इफेक्ट है गाइस, ठीक है। आप सही से इस्तेमाल करोगे तो खुद अच्छा खासा एक फ़ोटो को एडिटिंग कर सकते हो। उसके बाद मुझे करना है क्या, रिमूव बीजी वाले ऑप्शन पे चलना है, जो अच्छे तरीके से आपको बैकग्राउंड रिमूव करके देता है गाइस, ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी में। और नेट को आपको चालू रखना है, रिमूव बीजी पे क्लिक करना है। कुछ सेकेंड लेता है आपके बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए गाइस, में चलिए कुछ सेकेंड ले रहा है। देखिए पर सेकेंड के अंदर कितना अच्छा नेचुरल बैकग्राउंड को रिमूव किया गया। उसके बाद मुझे करना क्या है, कोई बैकग्राउंड ले लेना है, जो आपको पीस के पीछे बैकग्राउंड कोई लगाना हो वो लेना। चलिए मैं मेरे पीस के अंदर बैकग्राउंड जो लगा मैं वो लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने अपने मॉडर्न के पीस के पीछे मैंने बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लिया गाइस, ठीक है ना। इसको उसके बाद इसको ना डन कर लेना, इसको सेव कर लेना गाइस। उसके बाद मुझे दूसरे ऐप के अंदर चलना है, ठीक है गाइस। आप वीडियो में बने रहना, ठीक है। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस मैं अपने पीस को दोबारा से स्नैपसेट ऐप के अंदर इसको शेयर करना गाइस, ठीक है। स्नैपसेट डाउनलोड कर लेना आपको प्ले स्टोर पर निःशुल्क, इसको शेयर कर देना स्नैपसेट के अंदर, ठीक है गाइस। चलिए मैं इसको शेयर कर चुका हूँ स्नैपसेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो दुपट्टा है इसको कलर करना गाइस, ठीक है। सिंपल सा तरीका मैं बताऊँगा, कोई पीस कोई भी कलर कोई भी शर्ट को आप कलर कर सकते हो अच्छे क्वालिटी में गाइस। उसके बाद करना क्या, टूल वाले ऑप्शन पे चलना है गाइस, ठीक है। डबल एक्सपोजर पे चलना है, ठीक है। एक बैकग्राउंड लेना है गाइस, ठीक है। इसमें एक बैकग्राउंड ले चुका हूँ जो फास्ट रेड है। उसके बाद मुझे करना क्या, इस वाले ऑप्शन पे चलना है, ठीक है। ओवरले पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है। उसके बाद इसका ओपेसिटी को देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको डन कर लेना है गाइस, ठीक है। उसके बाद इसको डन करने के बाद ही ऊपर वाले तीर वाले ऑप्शन पर चलना है, इस वाले ऑप्शन पर चलना है, व्यू एडिट पर चलना है गाइस, ठीक है। उसके बाद डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना, ब्रश वाले ऑप्शन पे लेना, ठीक है गाइस, ठीक है। इसको 100% कर देना गाइस, ठीक है। उसके बाद अपने हिसाब से यहाँ इसको अप्लाई कर देना गाइस, ठीक है। हर जगह अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अगर कहीं ज़्यादा भी हो जाए तो इसको कम करके वहाँ से हटाना है, ठीक है। उसके बाद इसको हर जगह अप्लाई कर लेना है जहाँ पर। तो गाइस वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप देखोगे नहीं, ठीक है। वीडियो को मैं छोटा कर लेता हूँ गाइस, चलिए मैं इसको कर लेता हूँ गाइस। गाइस देख सकते हैं मैं अपने पीस के अंदर कितना अच्छा मैंने उनको एडजस्ट किया है कलर को, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने उसका दुपट्टे को कितना अच्छा मैंने कलर एडजस्ट किया। गाइस चलिए मैं दूसरे ऐप के अंदर चलता हूँ, वीडियो में आप बने रहे, ठीक है गाइस, ठीक है। तो गाइस दोबारा से मैं अपने पीस को फोटो डेस्क स्केच बुक के अंदर मुझे ना इसको शेयर करना है, लिप्स को थोड़ा डार्क करना है, ठीक है। ये करना क्या है, इस पर कलर वाले ऑप्शन पर चलना है, फास्ट रेड ऑप्शन को चूज़ कर लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद ब्रश कौन सा चूज़ करना है, उसके बाद ब्रश को ये वाला चूज़ करना गाइस, आप देख सकते हैं इसका ओपेसिटी को 80% रहने देना, हाँ। उसके बाद मुझे करना क्या, एक लेयर ले लेना गाइस, ठीक है। लेयर यहाँ से होगा, इस पर कलर लेयर लेना, उसके बाद इसको एडजस्ट कर देना गाइस, ठीक है। जहाँ जहाँ करना है वहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना गाइस, ठीक है। हाँ बहुत कम करने के लिए ना इसको चलना है, ठीक है। उसके बाद इसका ओपेसिटी को कम कर देना गाइस, ठीक है।
तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा पीस बनकर के तैयार है गाइस, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक छोटा भाई समझ के सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले वीडियो में आते हैं।